रहने वाले सब ज़्यादा गैर मुस्लिम ही है। कल हमने मुंबई में भी देखा जितने स्टूडेंट्स थे उसमें ज़्यादा अक्सरियत जो है वो गैर मुस्लिमीन की थी, लेकिन हम उनका साथ दे रहे हैं। अक्सरियत को मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें, खामोश बैठ जाना ये हमारा हमारे बस के बाहर की बात है। अब जुल्म तशद्दुद हमारा सर से ऊपर हो चुका है, इसलिए हम चाहेंगे कि सारे लोग चाहे नौजवान हों चाहे बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों वो अमन अमान के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें और किसी तरह से भी तशद्दुद इख्तियार ना करें। अगर दुश्मन हमारा तशद्दुद पर उतर आता है तो हम उसको नरमी से जवाब दे सकते हैं। ये है कि जो ये NRC के जो लागू किया जा रहे हैं इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर जो लोगों ने एहतजाज किया है, हमारे जामिया मिलिया के जो बच्चों ने एहतजाज किया है उनको लाल सलाम करते हुए हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो और इसके लिए हुकूमत जो है हम पर जो लाद रही है ये इसके हम पूरी तरह से मुखालफत करते हैं और हमारा ये वो है कि इस प्रोटेस्ट को एक दिन में ख़त्म ना किया जाए, बल्कि इसे जब तक कि ये NRC ख़त्म नहीं होता है, ये कैब ख़त्म नहीं होता है जब तक कि हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे और अपने उन बच्चों को जो आज शहीद हो रहे हैं जो जुल्म